नमस्कार। अपने सामने किसी विषय को उपलब्ध करो और उस विषय को छोड़कर बाकी सब विषयों को अनुपलब्ध करो और धीरे धीरे उस विषय में खो जाओ और कुछ समय के बाद उस विषय को भी भूल जाओ और अनुपलब्ध विषय को भी भूल जाओ और अपने आप में उपलब्ध हो जाओ। ये विज्ञान भैरव तंत्र की 23वीं विधि है। इसमें भगवान शिव बताते हैं कि किसी विषय को, विषय का अर्थ है किसी भी एक चीज को अनुभव किया जा सके। जिसे जैसे मान लीजिए आपने एक फूल लिया, तो इस फूल को छोड़कर बाकी जितनी भी विषय यहाँ पर मौजूद हैं आपके आसपास, उन सबको गौण कर दें, उन सबके भूल जाएं, उसकी तरफ ध्यान ना दें, सारा ही अपना अवधान जो है वो इस विषय पर, इस फूल पर ले आए। लेकिन इसको अनुभव करना है। अनुभव करने के लिए परम आवश्यक है कि आप अपनी आंखों को बंद करें, और जब आप अपनी आंखों को बंद कर लेंगे तो इस फूल को आप छू सकते हैं। इस फूल को जैसे आप छुए तो जो छूने के साथ जो ये विषय महसूस हो रहा है उसको अनुभव करें और इसमें धीरे धीरे अपने आप को खोने दें। और जैसे ही समय बीतेगा आप इसमें खोएंगे, समय के साथ जो आप नहीं अनुभव कर रहे उस पर तो ध्यान देना ही नहीं है, और इस विषय को भी हाथ से छोड़ देना है और अपने आप में लीन हो जाना है, तो ये थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है। लेकिन इसमें मैं ये कहूंगा कि आप कम से कम आधा काम तो कर सकते हैं कि आप एक फूल लें और उसे हाथों से छुएं और छूने पर ही ध्यान करें। वो छूना ही आपका ध्यान होना चाहिए। जब आप इस ध्यान में पहुंचेंगे तो अगली प्रक्रिया स्वतः घटित होगी। नमस्कार।